आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा दसवीं पाठ एक कबीर के दोहे। कबीरदास जी भारत के संत शिरोमणि कहलाते हैं। संतों के उस युग में कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के एक प्रमुख कवि रहे। यद्यपि उन्होंने कुछ भी हाथ से हस्तलिखित कोई भी रचना नहीं की, परंतु उनके दोहे आज भी इतने सफल हैं कि हर घर में उन दोहों का बारे में वर्णन किया जाता है। इतने सालों के बाद भी आज भी उनके दोहे हर भारत में ही नहीं विश्व के हर कोने में प्रचलित हैं। तो आइए हम आज पढ़ने जा रहे हैं कबीरदास जी के द्वारा लिखे गए साकी के सर्व पद। साकी शब्द का ही तद्भव रूप हम साक्षी के रूप में मानते हैं। साकी शब्द का मतलब है साक्षी, जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे। ये प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है। संत सज्जन संप्रदाय में अनुभव ज्ञान का ही महत्व है। शास्त्रीय ज्ञान अर्थात वेद पुराण आदि का नहीं, कबीर का अनुभव क्षेत्र बहुत अधिक फैला हुआ है। अर्थात कबीरदास जी जगह जगह घूम कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे, इसीलिए उनके द्वारा रचित साहित्य में अवधि राजस्थानी भोजपुरी और पंजाबी शाखाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, अनेक भाषाओं का मिश्रण भी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सुदुपड़ी भाषा भी कहा जाता है। साकी वस्तुतः एक तरह का दोहा या छंद है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विस्तार से 24 मात्रा, अर्थात पहले व तीसरे चरण में 13 वर्ण और दूसरे और चौथे चरण में 11 वर्ण के मेल से 24 मात्राएं प्रस्तुत की जाती है। इस प्रकार से सत्य को सामने रखकर ही गुरु शिष्य को जीवन के व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देता है। ये शिक्षा जितनी अधिक प्रभावशाली होगी उतनी ही अधिक याद रहेगी। यही पाठ के साध्या का मुख्य उद्देश्य है। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और के सुख हो। कबीरदास जी कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए और अपना तन शीतल करे और के सुख हो। वाणी मतलब बोली, आपा मतलब अहम, खोई मतलब त्याग करना, शीतल मतलब ठंडा या शांत, और औरत मतलब दूसरों के लिए, खोई मतलब होता है। साथी हम हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ले चुके हैं इस साथी के कवि श्री कबीरदास जी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि अहंकार के मात्र होने से ही हमारे जीवन में सारी परेशानियां आ जाती हैं। अगर हम अपने मन के अहंकार का त्याग कर लें और अपनी भाषा का प्रयोग इस प्रकार से करें जिससे हमारा तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट न हो, तो बात करने की ऐसी कला हो हमारी जिससे सुनने वाला का मन न सिर्फ प्रसन्न हो जाए, न सिर्फ वह मोहित हो जाए, बल्कि हमारे बातचीत करने से अपने स्वयं के मन को भी शांति प्राप्त हो, साथ में दूसरों को सुख का अनुभव होता ही है। आज के जमाने में वास्तव में कम्युनिकेशन अर्थात संवाद की कला का बहुत महत्व है। किसी भी क्षेत्र में तरक्की करने के लिए वाक्पटुता भी अहम भूमिका निभाती है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कुंडली अर्थात और घटी घटी मतलब का। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के सभी लोग कस्तूरी हिरण की तरह हो गए। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर से उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। हिरण की नाभि में चूंकि कस्तूरी होता है, लेकिन हिरण उससे अनभिज्ञ होकर उसकी सुगंध के कारण पूरे जंगल में घूमता रहता है। वो पूरे जंगल में घूमता रहता है और अक्सर जैसे हम भगवान की खोज में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा काबा कैलाश से लेकर पूरी दुनिया के सभी धार्मिक स्थलों और तीर्थ यात्राओं में अपना समय बिताते हैं, परंतु प्रभु के दर्शन नहीं होते। उसी प्रकार से कस्तूरी जो सुगंधित द्रव्य है जो उसकी नाभि में हिरण के पाया जाता है, उसको ढूंढने के लिए मृग मारा मारा फिरता है, वो चारों तरफ भटकता रहता है, लेकिन उसे जीवन के अंत तक ये पता नहीं चलता कि ये नाभि के अंतर्गत अर्थात उसकी नाभि में उपस्थित सुगंधित द्रव्य कस्तूरी
उसी के शरीर के अंदर उपस्थित है, इसीलिए वो बाहर घूमकर उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाता। मनुष्य भी भगवान को हमेशा बाहर निर्जीव वस्तुओं में ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन उसके गढ़ अर्थात उसके हृदय में ही भगवान है, वो उसे कभी देख नहीं पाता। और उसको देखने के लिए ऐसा है कि उसे अपने अहंकार रूपी दानों का अंत करना होगा और प्रभु के साथ एकात्म होना पड़ेगा, तब से ये प्रभु की मुक्ति मिलेगी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, और सब दिया मिट गया जब दीपक देखा माही, जब दीपक देखा माही। मैं अर्थात अहम, हरि मतलब परमेश्वर और अंधियारा मतलब अंधकार। इसमें कबीरदास जी मन में अहम या अहंकार के मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर के वास की बात करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास हो चुका है। और जब परमेश्वर रूपी दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो गया। जिस प्रकार से सूरज के प्रकाश के आने पर जीवन में सब तरह का अंधेरा मिट जाता है, उसी प्रकार से प्रभु की भक्ति रूपी और अहंकार रहित भक्ति के जब दर्शन हुए, यानी ज्ञान का प्रकाश प्रभु की भक्ति का प्रकाश हृदय के अंदर प्रकाशित हुआ, तो अज्ञान रूपी अंधकार अहंकार रूपी अंधकार समाप्त हो गया और प्रभु के दर्शन हो गए। इसलिए कवि ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है तुम मैं नहीं, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मुझे विश्वास है ये जो अगला हम दोहा पढ़ने जा रहे हैं, ये जीवन में हम यदा कदा सभी जगह देखते हैं, पर देखने का जो दृष्टिकोण है कबीरदास जी का वो कुछ अलग ही है, अनुपम है। देखिए, सुखिया सब संसार है और खाए अरु सोने, और दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोने। सुखिया मतलब सुखी, अरु मतलब अज्ञान रूपी अंधकार, और सोवे मतलब सोए हुए वो लोग जिनको अपने जीवन में इस बात का ज्ञान नहीं है कि प्रभु भी कहीं पर है। दुखिया मतलब दुखी और रोवे मतलब रोवे। इसमें कबीरदास जी ज्ञान रूपी अंधकार में भटके हुए और सोए हुए मनुष्यों को देखकर दुखी और रो रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में इतने डूबे हुए हैं कि अपनी मृत्यु आदि से भी पहले अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी हैं और वे रो रहे हैं कि प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। विराभुवंगम तन बसे मंत्र न लागे को, और राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा विरभो अंगम तन बसे और मंत्र न लागे कोई, विरभो अंगम तन बसे और मंत्र न लागे कोई, और राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। विरह मतलब विसरने का, भुवंगम मतलब भुजंग या सांप, और बोरा मतलब पागल। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और अगर रह भी जाता है तो वह पागल हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम भरा होता है तो सांप बनकर रोने लगता है, और उस पर ना तो कोई मंत्र का असर करता है और ना ही कोई दवा असर करती है। अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह पाता, यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। निंदक नेड़ा राखिए आगने कूटी बधाई, और बिन पानी साबन बिना, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। कबीरदास जी इन शब्दों के विशेष अर्थ के साथ कहते हैं, जैसे निंदक अर्थात निंदा रखने वाला, नेड़ा मतलब निकट, थोड़ा राजस्थानी शब्द है, आंगणी मतलब आंगन, साबुन मतलब साबुन, निर्मल मतलब साफ, सुखाई मतलब सफाई। जैसे कि हम जानते हैं कबीरदास जी की भाषा को शुद्धप्रिय यानी खिचड़ी भाषा कहा जाता है, उसमें पंचमेल भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें अंदर राजस्थानी ब्रज
अवधि और अन्य दो भाषाएं मिलाकर पंच मेड हिंदी कही जा सकती है। इसमें कबीरदास जी निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखने की सलाह देते हैं। जो भी आपकी आलोचना करते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उनका हमेशा अपने निकट रखिए, समीप रखिए, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। वास्तव में दुनिया में लोग आलोचना करने वाले का विरोध करके उनको दूर कर देते हैं, पर कबीरदास जी बिल्कुल दुनिया की विपरीत बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो आपकी आलोचना कर रहा है, जो आपकी गलतियां बता रहा है, जो आपकी त्रुटियां बता रहा है, उसे सदैव अपने पास रखें ताकि आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आ सके, आप उन गलती को सुधार सकें। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट ही रखना चाहिए, हो सके अपने आंगन में ही उनके लिए घर भी बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताई हुई गलतियों को सुधार कर पुनः एक अच्छे व्यक्ति की तरफ अग्रसर हो सके। इससे हमारा स्वभाव अगला दोहा है कबीरदास जी के द्वारा रचित, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बधाय और बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुहाय। निंदक अर्थात निंदा करने वाला, नेड़ा मतलब निकट, आंगनी मतलब आंगन, साबन मतलब साबुन, और निर्मल मतलब साफ, और सुबह मतलब सुबह। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, जो लोग आपकी क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, उनको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि लोग जो आपकी बुराई करते हैं, आप उसे दूर रहने का प्रयास करते हैं, या जो भी किसी की बुराई करता है उसे लोग दूर चले जाते हैं, परंतु कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक वास्तव में आपको सकारात्मक गलतियां बताता है। वो ये बताता है कि आप किस तरीके से इन सब स्थितियों से उभर कर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। अर्थात अगर कोई व्यक्ति के जीवन में आलोचक है तो वास्तव में वो उसका समालोचक है, यानी उसको एक प्रकार से उसकी गलतियां और त्रुटियां बताता है जिसका ध्यान उस व्यक्ति को नहीं होता है। तो कबीरदास जी के अनुसार अगर आप किसी निंदक को अपने पास रखते हैं तो बिना साबुन और बिना पानी के वो आपके मन को स्वच्छ कर देगा, आपकी गलतियों को दूर कर देगा, आपकी बुराइयों को हटा देगा, इसीलिए आलोचक को अपने पास रखना चाहिए। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, और एक अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित होई। पोथी मीन्स पुस्तक, मुआ मतलब मरना, भया मतलब बनना, अक्षर मतलब अक्षर, और पीव मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ के पूरा दुनिया, पोथी पढ़ पढ़ के पूरी दुनिया मरने को पहुंच गई, मर गए, लेकिन कोई भी पंडित नहीं बन पाया। कोई भी पंडित का या मतलब ब्राह्मण से नहीं, पंडित का मतलब विद्वान से, लिटरेट पर्सन। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ पंडित भयानक हो, और एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित हो। पीव मतलब प्रिय। तो भगवान को यहां पर प्रिय कहा गया है कि पोथी यानी कि पुस्तक पढ़ पढ़ के लोग अपने जीवन में मर गए, मोटी मोटी पुस्तक, लेकिन कोई भी सच्चा ज्ञानी नहीं बन पाया, सच्चा विद्वान नहीं बन पाया। लेकिन अगर एक अक्षर किसी ने प्रेम से अपने ईश्वर का पढ़ लिया, अर्थात ईश्वर की भक्ति में लगा दिया, तो वह सच्चा ज्ञानी है, वह सच्चा पंडित है। हम घर जा लिया आपड़ा लिया मुराड़ा, अब घर जालो ताश का, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साम। जालिया मतलब जलाया, आपड़ा मतलब अपना, मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी, और जालो मतलब जला, ताश मतलब उसका। कबीरदास जी कहते हैं कि मोह माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करनी चाहिए। वो कहते हैं कि मैंने तो अपना घर अर्थात मोह रूपी घर, जिसमें मैंने मोह माया और स्वार्थ भरे हुए थे, उसको जला दिया है, और मैंने अपने हाथ में ज्ञान रूपी मसाल ले ली है जो सच्चे ज्ञान की है, और इस मसाल से मैंने अपना घर तो जला लिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लोग भी अपने मोह माया के बंधन को तोड़ना चाहते हो मेरे साथ आए और मोह माया रूपी घर को जलाकर इस सच्चे ज्ञान रूपी यानी भगवान की भक्ति का सच्चे ज्ञान रूपी ज्ञान की मसाल लेकर मेरे साथ आगे बढ़े, ऐसा मैं चाहता हूं। अर्थात कबीरदास जी इन पंक्तियों में मोह को त्यागने की बात करते हैं, ईश्वर से सच्चे प्रेम की बात करते हैं। आज का हमारा ये पाठ यही समाप्त होता है, और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आप सब
इस पाठ से कबीरदास जी के दोहों के अनुसार उनकी भक्ति और उनके ईश्वर के प्रति निर्गुण धारा का परिचय प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही आप ये समझ पाएंगे कि जीवन के अंदर व्यवहारिक ज्ञान की कितनी आवश्यकता होती है। धन्यवाद।